नमस्कार, UBS News 8 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। ताजा खबरों के लिए बने रहिए UBS News 8 के साथ। ब्यावरा सहित राजगढ़ जिले में मनाया गया शिक्षक दिवस, देखते रहिए UBN 08 न्यूज। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति, प्रख्यात शिक्षाविद, महान विचारक और भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को प्रत्येक 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार कोरोना के चलते शिक्षक दिवस विभिन्न बंदिशों में रहकर मनाया गया। भारत में शिक्षक को अर्थात गुरु को भगवान का दर्जा प्राप्त है। शिक्षक के बिना समाज, संस्कृति और विकास की कल्पना तक नहीं की जा सकती। शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारी टीम ने शिक्षिका श्रीमती सुनीति राजपूत, रसायन विज्ञान की शिक्षिका शासकीय विद्यालय ब्यावरा, और शिक्षक प्रवीण सिंह राजपूत तथा सत्यनारायण भट्ट, शिक्षक भौतिकी और शासकीय करने की प्राचार्य सुशील कुमार गुप्ता तथा वहीं के शिक्षक हरिओम शर्मा, कपिल सोनी, सत्येंद्र अग्रवाल, देवेंद्र सक्सेना, पर्वत सिंह राजपूत आदि से शिक्षक दिवस की चर्चा की। शासकीय महाविद्यालय ब्यावरा के खेल शिक्षक श्री MS सेफी ने भी शिक्षक से संबंधित अपने विचार हमें बताए। शिक्षक दिवस पर छात्र छात्राओं ने अपने शिक्षकों को तोहफे दिए, फूल माला पहनाकर उनका सम्मान किया, केक भी काटे गए और शिक्षकों का आशीर्वाद प्राप्त किया गया। हमारे साथ ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए। आज शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर मैं देश के समस्त शिक्षक को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथियों, शिक्षक वो नहीं जो विद्यार्थियों के मस्तिष्क में अपने विचार ठूंसे, बल्कि शिक्षक वो है जो विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करे। हम समस्त शिक्षक की ये जवाबदारी है कि हम उसको पूरी तरह से छात्र को विकसित करें। मैं वर्तमान में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की शिक्षा नीति का अभिनंदन करता हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस देश के हित में है। जय हिंद, जय भारत। बोलिए, शिक्षक दिवस के उपलक्ष में मैं आज सभी स्टूडेंट्स एवं शिक्षक साथियों को बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज गुरु का महत्व आदिकाल से ही है। जहाँ माता बच्चे की प्रथम गुरु है, तो शिक्षक ज्ञान का दीपक जलाने वाला दूसरा गुरु है। पर देखने को मिल रहा है वर्तमान में गुरु शिष्य परंपरा कहीं होती जा रही है। आधुनिकता के इस दौर में जहां टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारे संस्कार भी बने रहें, तो शायद जीवन का सर्वांगीण विकास होगा। मेरी यही छात्रों से उम्मीद है। धन्यवाद। बोलिए सर। आज मैं इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पूरे राष्ट्र के गुरुजनों को नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। हमारे सभी शिक्षक साथियों को, सभी गुरुजनों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक शब्द का अर्थ होता है, शी मतलब होता है शिष्टाचार, क्ष का मतलब होता है क्षमा, और क का मतलब होता है कर्तव्यनिष्ठ। जिसके अंदर ये तीनों गुण हों, शिष्टाचार, क्षमा और कर्तव्यनिष्ठ, वो अपने आप में एक संपूर्ण शिक्षक है। शिक्षा और विद्या दो चीज़ें होती है। शिक्षा जो आज हम गुरुओं, हम विद्यालय से प्राप्त करते हैं, और विद्या जो हमें अपने गुरुओं से मिलती है, जो हमें संस्कारों से मिलती है। हमें उन दोनों से ही ज्ञान प्राप्त करना है, गुरुओं से भी और हमारे शिक्षकों से भी। और शिक्षक को हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने, परम श्रद्धेय गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गायत्री परिवार के जो संस्थापक है, उन्होंने कहा है कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता है और भाग्य निर्माता है। वो ही इस दुनिया को परिवर्तित कर सकते हैं। शिक्षक ही इस दुनिया में क्रांति लेके आएगा, और शिक्षक के माध्यम से ही संपूर्ण विश्व में चेतना फैलेगी, संपूर्ण राष्ट्र के अंदर ज्ञान का प्रकाश फैलेगा, और हमारा देश, भारत देश, फिर से अखंड सोने की चिड़िया बनेगा। ये मेरी शुभकामना सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुनीति राजपूत, मैं उत्कृष्ट विद्यालय ब्यावरा में माध्यमिक शिक्षक हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ, और आज ये टीचर्स डे शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में